अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबा देना कि आप लोगों को हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर अल्बर्टो डिल आर्को, जो एक मैक्सिकन पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और एक अबांडेड जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था जो कई दहाइयों से वीरान पड़ा हुआ था। और यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि जगह में आग लगने की वजह से यहाँ के कई घर वाले जल कर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और अब तक यही से खौफनाक आवाजें रात के समय सुनाई देती है। जब इस टीम ने यहाँ की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब रहे। Porque precisamente una persona pues perdió la vida en su interior de esta manera. Entonces, vamos a ver si es que podemos encontrar. No, todavía existen. Atrás, mira, atrás. ¿No fue un animal? ¿Alguna ave? Ok, pero eso vino de este lado. ¿Se oyó claro? Madres, ¿fuiste tú ahorita que pisaste? Sí. ¿O no? Sí. Se oyó muy hueco, ¿eh? Cuidado, sí, retumbó todo. No se nos vaya a caer encima parte de esta propiedad, porque sí se ve que está muy dañada. Mira, ven, 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 ven. Ven a ver esto. Cuidado. ¿Estás bien? Sí. Ok, ¿estás bien? Sí. Hola. No sé, güey, como que arrastraron algo. Buenas noches. No creo que haya indigentes viviendo aquí, la verdad. इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही उनको एक जानिब से आवाज सुनाई देती है और जब इस लोकेशन से बाहर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो दोबारा कहीं से बारी बरकन आवाज सुनाई देती है। और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं, सालोन दे इवेंटोस दे ला कासा, de aquí vinieron los ruidos, pero no veo dónde se pueden haber originado. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Ay, güey, a mí se me hizo ver a alguien acá. ¿Allá dónde? क्या आप लोगों ने देखा कि डोरवे में एक व्हाइट शैडो दिखाई देता है और उसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और जब दोबारा कैमरा उस जानिब रोटेट करता है तो वहां पर कोई नहीं होता। और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन में बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। Y hay más escaleras que van hacia abajo, ¿eh? Cuidado. Mucho murciélago. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué hay allá? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Se movió. ¿Dónde? ¡Todo hijo de tucho! ¿Dónde, güey? ¿No salen los murciélagos? Que hay muchos, muchos, muchos murciélagos. ¡Todo hijo! Escucho nada más cómo huele muy mal. Huele muy, muy malo. ¿Dónde, güey? ¿Dónde lo dice? Aquí hay una hielera, ¿eh? Muy antigua. No sé cuánto tiempo llevo ahí, pero se ve que ya lleva. क्या आप लोगों ने देखा कि उनके कैमरामैन को एक काली परछाई कमरे के अंदर खड़ी हुई नजर आई। वो उसे देखकर काफी घबराकर पीछे की ओर आ गया तो शो का होस्ट फौरन जाकर उस जगह को चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और अगर हम कैमरा को सेम एंगल पर लाकर देखे तो पहले वहाँ पर एक काली परछाई खड़ी हुई नजर आती थी और बाद में वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब ये टीम इस लोकेशन से बाहर निकल रही थी तो दरख्त के नजदीक एक काली परछाई खड़ी हुई नजर आती है। तो इतनी एक्टिविटीज से तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा है। तो आप लोगों क्या लगता है कि हादसे में जो लोग आग की वजह से अपनी जान गंवाई उनकी आत्मा अभी तक भटक रही है और या कोई और मखलूक है? तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर मूसा अल्ताइर,
मूसा का मानना था कि हमारे गांव में ऐसे खौफनाक घर जिससे रात के टाइम अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती थी और इसकी वजह से कोई भी शख्स इसकी नजदीक रात के समय जाने से डरता था। मूसा और उसके दोस्त जब इस घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। حسبي الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما في طابق ثاني دائما خاف منه دائما يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اقرا ايات بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله لا لا تعال 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 بس تعال سيارة تعال مو لا هسه يقول احد بس تعال تعال وين ابدا امك تعال وين هسه يقول احد والله هسه يقول صديق سوا بس تعال خلاص فوق سلام سلام بس تعال ابدا امك يا اخي حلفتك سلام حلفتك ابدا امك تعال ابدا امك تعال هسه يقول صاحبك। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोकेशन के नजदीक पहुंचते ही खिड़की में एक परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब दोबारा कैमरा उस जानिब करता है तो वहां पर कोई नहीं होता और अंदर लोकेशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीढ़ियों में से एक पेंट का डब्बा गिरता हुआ दिखाई देता है। उसे देख कर उसका दोस्त काफी घबरा कर यही लोकेशन से बाहर निकलता है। मूसा उसको बार बार बोलता है कि वापस आ जाओ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन क्विक करके यहीं से जाता है। और जब दोबारा मूसा अकेले इस जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और कई कैमरे अपने आसपास प्लेस करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि पहले तो कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद उसकी नजदीक अंगीठी में एक पत्थर मूव होता हुआ दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद अचानक वहीं से गिरता है। उसे देखकर वो काफी खौफजदा हो जाता है और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं क्या आप लोगों ने देखा कि कमरे के अंदर एक परछाई एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन अगर हम इसको स्लो मोशन पर करते हैं तो ये परछाई रेंगते हुए जमीन पर जाती है और जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है।
क्या आप लोगों ने देखा कि अब तक वो एक जगह पर लेटा हुआ था और इस मखलूक को फील कर रहा था, लेकिन वो डिसाइड किया कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो उनका एक कैमरा जो एक कमरे की जानिब होता है उसमें काली परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लेफ्ट की साइड जाते हुए दिखाई देता है। अभी आप लोग हैरान होंगे कि ये मखलूक अलग कलर और अलग शेप में कैसे दिखाई देती है। तो अल्लाह ने इस मखलूक को ये खासियत दी है कि वो अलग कलर और अलग शेप में आ सकती है। तो क्या वाकई में उसने एक शैडो फिगर को कैप्चर किया और या ये भी एक फर्जी वीडियो बनाई गई व्यूअर्स लेने के लिए? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने अब तक ऐसे खौफनाक से मकामात तो देखे होंगे जो कई दिहाइयों से बंद पड़े होने की वजह से मखलूक अपना बसेरा करता है, जैसे अबांडेड बिल्डिंग, कब्रिस्तान और ऐसे घर जहां पर इंसान होते ही वो मखलूक अपना बसेरा करता है। लेकिन ऐसा कोई रोड का नाम तो सुना नहीं होगा जो आए दिन एक्सीडेंट की वजह से उस जगह को हॉन्टेड करार दिया गया। ग्वारामुला के सिटी की रोड जिसमें काफी एक्सीडेंट की वजह से जब वहाँ की मकामी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिला। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उस जानिब एक वाइट व्हीकल आ रहा है तो अचानक रोड के साइड तक लग जाता है, जैसे कोई मखलूक उसको पुश करता है। और रात के समय एक व्हीकल अपना कंट्रोल लूज करते हुए जाकर बैरियर तक लगता है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो एक काली परछाई जो रोड को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है और उसी जगह वो पहुंचते ही अपना कंट्रोल लूज करते हुए ये हादसा पेश आता है। लेकिन अगर हम लोग और से देखे एक्सीडेंट होने के बाद उस गाड़ी से एक काली परछाई जाती हुई दिखाई देती है, तो इतनी शवाहिद से तो साफ जाहिर है कि ये रोड काफी हॉन्टेड है। और यहाँ के मकामी लोगों का मानना था कि उनके घर में भी कुछ अजीब सी एक्टिविटीज होती है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कि वाकई ये रोड साइड हॉन्टेड है? तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर सोए रामसिस, जो एक मेक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और एक हॉस्टल जो कई अरसे से वीरान पड़ी हुई थी जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब रहे। Hola, hola, ahí ven aquí. Nada, güey. Nadie, güey. Hola, güey. Reprendemos en nombre de Jesucristo toda energía maligna que se encuentra aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendemos. Poder. जैसे कि आप लोगों ने देखा
कि जैसे वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हुए बिल्डिंग की जानिब बढ़ रहे थे तो अचानक उसका एक दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देता है। वो फौरन जाकर उस जगह को चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, और जब ऐप के थ्रू उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते है तो अचानक वॉशरूम का दरवाजा बंद होता हुआ सुनाई दे सकता है और वो काफी डर कर इस लोकेशन से बाहर निकलते है। और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते है तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। Pues amigos, aquí a mis espaldas, como podrán ver muchos de ustedes, es lo que antes era considerado las habitaciones. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे अपने ऑडियंस को, तो एग्जैक्टली उसके पीछे कमरे में एक परछाई एक ओर से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई देती है। वो फौरन जाकर उसी जगह को चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो क्या वाकई में इसी टीम ने एक शैडो फिगर को कैप्चर किया और या एक फर्जी वीडियो व्यूज लेने के लिए बनाई गई? इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इंसान जिन्नातों को ना फील कर सकते हैं और ना अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये कुव्वत ऐसे कई जानवरों को दिया हुआ है कि वो उसको फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिकटॉक यूजर जुडबी 1970 का घर भी उन हॉन्टेड घरों में से एक घर था जिसको ऐसा फील हुआ कि उनके घर पर अजीब सी एक्टिविटीज हो रही थी, और जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखा तो हमको कुछ ये नजारा देखने को मिला। जैसे कि हम लोग देख सकते हो कि पहले क्लिप के अंदर सीढ़ी में से एक परछाई जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन इस वीडियो के बारे में हम लोग श्योर नहीं है कि वाकई कोई परछाई थी या वहां से कोई गुजरा हो। लेकिन अपलोडर का मानना था कि उस समय घर पर कोई नहीं था, लेकिन सेकंड क्लिप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वो कुत्ता ऊपर की जानिब जाता है तो वहीं से एक सफेद सी चीज नीचे की ओर आती हुई दिखाई देता है, और अगर हम गौर से देखें तो वो कुत्ता उस चीज को नोटिस करके उसकी जानिब भी देखता है। और ऐसा एक सिमिलर वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर ब्ला ब्ला, जहाँ पर दिन के समय कुत्ता कमरों की जानिब भौंक रहा था और जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक पहुँचता है तो हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कुत्ता जैसे दरवाजे को टच करता है तो वहां से एक परछाई निकलती हुई दिखाई देती है, वो उसको देखकर काफी घबराकर पीछे की ओर चला जाता है। तो इस दोनों क्लिप को तो देखकर मैं काफी हद तक श्योर हूं कि कोई मखलूक है। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।